ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 17 सितंबर 2020, थर्सडे है, सुबह के 8:39 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। उसी में कल फेडरल रिजर्व का एक आउटकम बाहर आया, इन्फ्लेशन टारगेट को एडजस्ट किया और रेट अनचेंज है, 0 के आसपास है। तो अमेरिकी बाजार में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 16 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,535 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,499। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के जस्ट आसपास यहाँ पर ओपन हुआ, फिर एग्जैक्ट 20 EMA का इसने पिंक लाइन का ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। तो फर्स्ट टारगेट 11,551 अचीव हुआ। कुछ देर इस जगह पे, इस लेवल के पास एक पॉज लिया, इसको ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट 11,569 ये हमारा सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ। यहाँ पर हर्डल फेस कर रहा था ये, फिर नीचे आया, फिर एक बार ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक होके फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट फिर से दोबारा अचीव करके एक जबरदस्त अपसाइड रैली हमें देखने को मिली। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल जैसे कि फेडरल रिजर्व का आउटकम देखने को मिला, उसके बाद US मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, नाज़रा करीब 139 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट देखे तो लास्ट 3 वीक से लगातार वहां पर एक कमजोरी देखने को मिल रही है, कल मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एशियाई बाजार देखे तो SGX निफ्टी इस समय 88 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जापानीज इंडेक्स भी 174 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है, और लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 222 पॉइंट की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन एक निगेटिवनेस देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में जब यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल का पैटर्न हमें मिला था, यानी प्रीवियस डाउन ट्रेंड में जब भी ऐसा पैटर्न आता है, प्रीवियस बार का हाई लोअर क्लोज के ऊपर नेक्स्ट डे का हाई ओपन लोअर क्लोज होता है, तभी ऐसे पिवट बार रिवर्सल कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखा था डाउन ट्रेंड के बाद ये जो प्रीवियस बार है, इसका हाई लो क्लोज के बाद ये नेक्स्ट बार का हाई लो और क्लोज इसके ऊपर है, तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिला। अब इस सेम पैटर्न यहाँ पर भी हमें देखने को मिला और इसके बाद ये अपसाइड मूव देखने को मिल रही है। लेकिन अभी इस ये जो अपसाइड मूव आ रही है, तो इसमें यहाँ पर कई सारे हर्डल्स है। आप देख सकते हैं जब यहाँ से ये अपसाइड मूव आया था तो जहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था वहां पर ही इसने फिर से एक बार हर्डल फेस किया था, और यहाँ से एक करेक्शन आकर 20 EMA को इसने सपोर्ट टेस्ट किया और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। तो अभी यहाँ पर ये जो फिर से एक बार स्विंग हाइज बने हैं, ये एक स्विंग हाई है, और यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये लास्ट क्लोज का स्विंग हाई का ये पॉइंट है, लास्ट क्लोज का 11,650 के पास है, जहाँ पर ये 76.4% का भी लेवल आ रहा है। तो कल निफ्टी इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 11,618 का हाई लगाया था। तो जैसे कि अभी ग्लोबल मार्केट्स भी देखने को मिल रहे, थोड़े से निगेटिव जोन में चले गए, तो हो सकता है यहाँ पर ये जो अपसाइड मूव आई है तो एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बुल्स आ रहे लेकिन स्लोली स्टडीली
यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और जब भी एक नई हाइस क्रिएट हो रहा है, हायर हाइस बन रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी अपने देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अपसाइड स्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन जो प्रीवियस हाइज है, स्विंग हाइज है, वहाँ पर एक हर्डल फेस करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर ये अपसाइड स्ट्रक्चर बन रहा था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स लास्ट 2 डेज से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और हमें एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी कल का हाई यानी कि इस लेवल के पास आप देख सकते हैं, पास्ट में भी इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ से एक करेक्शन दिखाया था, तो हो सकता है ये अभी हर्डल का काम करे इस लेवल के आसपास। तो अगर ये कल का हाई यानी 11,617 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कंफर्टेबली, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर ये 620 कर देते हैं इसको। 11,620 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,642, जो कि पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है, और सेकेंड टारगेट होगा 11,666, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो लेवल है पिवट पॉइंट के जस्ट नीचे, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्विंग हाई बना हुआ है, छोटा सा स्विंग हाई बना हुआ है जहाँ पर यह हर्डल फेस कर रहा था, यहाँ पर भी ये दूसरी बार ये पहली बार, तो हो सकता है जो प्रिय पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है वो आगे जाके सपोर्ट का काम करे। तो जैसे कि ग्लोबल मार्केट का भी सिनारियो हमने देखा, थोड़ा सा निगेटिव है, तो गैप डाउन भी ओपन हो सकता है एक्सट्रीम। तो अगर ये जो 11,571 है इसके नीचे चला जाता है, सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,548, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,526, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो सेकेंड टारगेट है ये 11,526, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है आर्ली या हाफ एन आर्ली चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम तभी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,501, ये तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में ट्रेड करना जो नए लोग हैं काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर गैप डाउन ओपन होता है एक्सट्रीम तो वेट एंड वॉच करें। तो ये था आज के लिए निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।